आप सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सूरत के अंदर जितने भी आपके साथी हैं, देखिए ये बिजनेस जो है ना लाइफ लाइन और अपलाइन, आप एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलेंगे तो नो डाउट इस बिजनेस के अंदर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपने अपनी ईगो को खत्म कर देना है। आपने जितने भी सपने ले रखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप एक चीज ये तय मान के चलो कि वो सपने आपके तभी पूरे हो सकते हैं जब आपकी टीम आपके साथ में होगी। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि आज जब भी कोई दूसरी मीटिंग का मैसेज आपको आता है तो उससे पहले आपने अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को इनवाइट करना है, क्योंकि आज के दिन सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी के पास सिस्टम है, सभी या तो किसी के पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, यानी हर घर के अंदर एक व्यवस्था है कि वो जूम मीटिंग को अटेंड कर सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा। आप लोग बाहर के सर हैं और आपके साथ इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि कोरोना जो है ये आपको छू भी नहीं सकता है अगर थोड़ा सा सावधानी बरते तो। दोस्तों हमको करना क्या है, पहले तो बात है कोरोना है क्या चीज और इसको हम डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोस करने के लिए पहली बात तो है जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना की, आपको शुगर मतलब बुखार आएगा। बुखार कितना आ सकता है, तो 100 से लेके 103 तक, मतलब 100 से लेके 103 तक अपना टेम्परेचर जो है वो अप डाउन इसके बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो उसके साथ गले में थोड़ा सा खराश होगा, गले में खराश के साथ आपको खांसी की दिक्कत होगा, खांसी की दिक्कत होगा और पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे लूज मोशन है ना, लूज मोशन होगा और बदन में किसी की भी आ सकते हैं। और एक लक्षण सबसे बढ़िया जो है मतलब वो होने के बाद आपको आप सैंग्विन हो जाना कि आपको जो है कोरोना पॉजिटिव, अगर टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, वो है आपका जो खाने का जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब टेस्ट भी लगेगा और खाना खा नहीं पाओगे और साथ में सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होगा। अगर आप कोरोना की मतलब पॉजिटिव होने की सेकंड स्टेज में आ जाओ तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो शुरुआत में अगर आप तक बुखार के साथ खांसी की प्रॉब्लम हो, साथ में तीन से चार दिन आपके गले तक नहीं आते हैं तो क्या करना है, इसको गले तक ही खत्म कर देना है। तो गले तक अगर आपको खत्म कर देना है तो हम कुछ नेगोशिया प्रोडक्ट के साथ हम कुछ होम रेमेडी भी करेंगे जिससे हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो होम रेमेडी में अगर हम बोलूंगा दिन में कम से कम 3 से 4 बार प्लेन सिंपल गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के दिन में 3 से 4 बार और कम से कम दिन में 3 बार आपको जो चाय पीना है बगैर दूध का और बगैर चीनी का, उसमें आप नेगोशिया का जो सुगंधित टी है उसको डालोगे थोड़ा सा, उसके साथ आपको डालना है तो अदरक और उसके साथ आप थोड़ा सा हल्दी, नेगोशिया का हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं, हल्दी जो मार्केट में मिलेगा उसको थोड़ा पिसाई करके, और उसके साथ आप दोगे जो आप हम गोलमरीच कहते हैं बंगला में जिसको, आप हिंदी में कोई तो इसको क्या कहते हैं काली मिर्च, उसका जो पाउडर हमारी नेगोशिया में है उसका थोड़ा सा पाउडर आप ऊपर से छिड़क दो आफ्टर मतलब वो चाय बनने के बाद, ठीक है ना। और ये जो है आपका एक मेडिसिन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों चीनी नहीं डालना, अगर आपको बगैर चीनी की हो रहा तो 2 बूंद स्टेविया डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए। और ऐसे करके ये जो चाय है ये आपको दिन में 3 बार कम से कम पीना ही है और ताकि ये जो वायरस आपके गले तक आया गले में ही खत्म हो जाए। और साथ में क्या करोगे, इम्यून अपना जो इम्यूनिटी पावर है उसको आपको बरकरार रखना ही पड़ेगा, वो कोरोना हो या ना हो। अगर आप कोरोना हो गया है मतलब आपको ऐसे इस टाइप की आ रहा है और टेस्ट करने की नौबत आ गई, लेकिन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे सिम्टम अगर आए तो आप 1200 रुपये खर्चा करके टेस्ट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, टेस्ट नहीं करोगे तो भी पॉजिटिव ही है आपका, ठीक है ना। तो आप इस टाइम क्या करोगे, आपको
पहले दिन से हम एक तुलसी का ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे खासतौर पर मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पिछले साल की मार्च महीने से फुल्ली आयुर्वेद के साथ नेगोशिया प्रोडक्ट के साथ कुछ मार्केट की इधर उधर एक दो प्रोडक्ट के साथ जैसे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं आपको उसी टाइप का ही बता रहा हूँ। और ये जो ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं कि आप इसको सीख के अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों के लिए है और जो लोग अटेंड नहीं किया उनका दुर्भाग्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप शुरुआत में पहले दिन क्या करोगे, 3 से 4 बार गरारा करना है और ये जो चाय मैंने बताया फॉर्मूला इसको 3 से 4 बार आपको पीना है, ठीक है ना। और क्या करोगे आप बार बार जो भी जब भी पानी पियोगे थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके पानी पीना है, कभी भी फ्रिज का पानी एकदम नहीं पीना है। और जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड रहिए, नॉन वेज को टोटली अवॉइड करना है, ठीक है ना। और तुलसी का इस्तेमाल जब तक आपका ये जो टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है तब तक तुलसी का इस्तेमाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। ये करना है अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपके पास डायरी पेन है तो थोड़ा रख लीजिए, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करना है सुबह शाम सुबह को दोपहर को और शाम को पूछ लेना है। लेकिन सिस्टम क्या है, सुबह मान के चलिए आप 8 बजे आप कुछ लेना है पानी के साथ पूछ लेना है, 1 कप पानी के साथ 12 बूंद तुलसी लेना है 8 बजे। फिर 9 बजे आपको लेना है 1 कप पानी के साथ 10 बूंद तुलसी, फिर 10 बजे लेना है 8 बूंद तुलसी। ये हो गया सुबह का डोज। फिर सेम दोपहर को 12 बजे 12 बूंद 10 बूंद और 2 बजे 8। फिर शाम को क्या करोगे 8 बजे 12 बूंद 9 बजे 10 बूंद और 10 बजे 8 बूंद। ऐसे करके दिन में 3 बार तुलसी का डोज लीजिए। अगर आपके टेम्परेचर 102-3 तक भी है तो पहले दिन ही आपके टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, दूसरे दिन और तीसरे दिन में आप पूरा नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है ना। ये हो या ना हो, आपको बुखार आया है, टेम्परेचर आया है, खांसी की प्रॉब्लम, गले में खराश हो रहा है, हो सकता है आपको कोरोना हुआ है, ये भी हो सकता है। अगर कोरोना हुआ तो ये ठीक हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो भी आपको ये जो इलाज है आपको बहुत ही जल्द अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और साथ में क्या करेंगे हम अपना नेगोशिप कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेंगे, पहला 3 दिन एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार पहला 3 दिन, 3 दिन बाद एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेंगे और 4 दिन। तो कितने कैप्सूल हो गए, पहला 3 दिन दिन में 3 बार, उसके बाद 4 दिन लेंगे दिन में 2 बार आफ्टर मील, आधा कप गर्म पानी में मिला के चाय की तरह सिप करके लेंगे, चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके लेंगे हमारा जो नेगो कप सिरप है। और साथ में एक एक कैप नोवा प्लस कैप्सूल दिन में 2 टाइम खाना खाने के आधा घंटा पहले। आप इतना अगर कर सकते हो तो आपकी चाहे निमोनिया की प्रॉब्लम आए हैं या पॉजिटिव COVID-19 भी हुआ है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और सुबह हो सके तो सुबह का जो नाश्ता है टोटल बंद कर दीजिए, सुबह का नाश्ता टोटल बंद। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह का नाश्ता नहीं लूंगा जी दोस्तों, सुबह का नाश्ता टोटल बंद कर दीजिए। उस टाइम क्या करोगे, पहले तो आपका बॉडी को पहले वेट कर लीजिए, मान के चलिए आपकी बॉडी वेट 65 किलो है तो 65 के साथ एक जीरो लगाइए तो कितना हो गया 650। ये 650 ग्राम आपको सुबह खाली पेट 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स लेना है और कुछ नहीं। अगर आपको मतलब पॉजिटिव होने की संभावना है या बुखार आ गया और इस टाइप की प्रॉब्लम हुआ है तो, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको लीजिए, आपको डायबिटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या डोज होगा, आपकी बॉडी वेट के साथ आपको एक जीरो लगाना है, बॉडी वेट के साथ एक जीरो सारे। अगर किसी में 70 किलो है तो उसके साथ जीरो लगा के आपको 700 ग्राम फ्रूट्स लेना है। और कौन सी फ्रूट्स लोगे, जो आपको मार्केट में सस्ता मिले, आपको ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा रेट वाला फल लेना पड़ेगा, आप सस्ता जो फ्रूट मिले लेकिन उसमें कम से कम 4 प्रकार की फ्रूट्स आप उसमें ऐड करना।
आप केला ले सकते हो, आप मौसमी ले सकते हो, उसके साथ आप तरबूज ले सकते हो, थोड़ा सा अमरूद ले सकते हो, खीरा भी ले सकते हो, ऐसे मिला के आप आपके अनुसार अपना अपना हिसाब करके ये आप ले लीजिए। और उसके साथ मैंने जो आपको निगोशिएट की प्रोडक्ट बताया ये आप ले लीजिए, और कोई भी बासी खाना या पेज का खाना और प्रोसेस फूड टोटल बंद कर दीजिए। अब बिल्कुल 5 से 7 दिन के अंदर अगर आप टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है तो आप 5 से 7 दिन बाद टेस्ट कराएगा, फिर से आपको नेगेटिव दिखेगा। मैं जितने भी पेशेंट का अभी तक ट्रीटमेंट किया हूँ 7 से 10 दिन के अंदर सब पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो गए हैं, ऐसे कोई एकदम गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये तो हो गए जिसकी तकलीफ हुआ है। तो अगर किसी को तकलीफ नहीं है इस टाइप का और आप चाहते हो कि मेरे को तकलीफ ये ना आए जिंदगी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रेगुलर बेस थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, मैं तो 10 बूंद करके दे रहा हूँ, 10 बूंद करके IV 11 दिन में 2 बार आप पीजिए 1 कप गर्म पानी के साथ, और साथ में 1-1 हिंदुआ कैप्सूल लीजिए और 1-1 कर्क्यूमिन कैप्सूल दिन में 2 टाइम खाना खाने से बाद लीजिए। नोवा प्लस खाना खाने के पहले लेना है और कर्क्यूमिन खाना खाने के बाद और IV 11 ये हो गया जिनको नहीं हुआ है कोरोना और चाहते हैं कि मेरे को ना हो या मेरे फैमिली में इस टाइप का प्रॉब्लम किसी को ना आए, तो ये 3 चीज आपको जिंदगी में ऐड करके लेना है। और अगर आपको लग रहा है इसके बाद जो ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा सा महंगा हो रहा है, इतना हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारी फैमिली में 5 मेंबर है तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, अभी इतना पैसा हम बस कहाँ से आएंगे, तो आपको क्या करना है, IV 11 को कभी बंद नहीं करना और कर्क्यूमिन कैप्सूल ले लीजिए दिन में 2 बार, और थोड़ा सा सस्ता आएगा आपको गिलोई कैप्सूल, गिलोई में इतना दम है कि आपको कोई सीधी टाइप की वायरल इन्फेक्शन हो, आपको निमोनिया हो, टाइफाइड की प्रॉब्लम हो, डेंगू, किसी भी टाइप की बुखार या कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या आपकी डायबिटिक की प्रॉब्लम भी मतलब है, तो गिलोई आपको हर इस टाइप की बीमारी से आपको बचा देगा, आप वायरल इन्फेक्शन वाला बीमारी आपको छू नहीं। गिलोई आप ले सकते हो 1-1 कैप्सूल दिन में 2 टाइम और 3 टाइम भी ले सकते हो, बॉडी वेट अगर किसी की 80+ है तो गिलोई दिन में 3 बार लेना पड़ेगा, 80 से नीचे है तो दिन में 2 बार गिलोई लीजिए, IV 11 लीजिए और कर्क्यूमिन लीजिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये भी मेरे को ज्यादा लग रहा है तो आप सीधा गिलोई और IV 11, इससे नीचे होगा नहीं, मतलब ये एकदम रीजनेबल में है, आपको गिलोई दिन में 2 बार IV 11 दिन में 2 बार कंटिन्यू पीना है। और जो चाय का मैंने बताया नेगोशिया का सुगंधी टी के साथ, आप फैमिली को दिन में 2 बार लाल चाय पिलाइए बगैर दूध का और बगैर चीनी का, उसके आपको अदरक और थोड़ा सा कच्चा हल्दी पीस के या नेगोशिया का जो हल्दी पाउडर वो भी दे सकते हो और काली मिर्च का पाउडर बस आप मिला के दिन में 2 से 3 बार आप ये चाय पियो और IV 11 और गिलोई का सेवन करिए, आपको कोरोना छू नहीं पाएगा, ठीक है ना। और आपको इसके साथ अगर बहुत ज्यादा कमजोरी आ रहा है तो आप इम्यूनिटी प्लस सिरप जो है उसको भी आप 10-10 ml दिन में 2 बार या आप हमारी एनपल्स एंटीऑक्सीडेंट जूस 15 ml करके दिन में 2 बार ले सकते हो। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिसको आप इस बीमारी से बचाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे जो चाइल्ड ग्रो पाउडर है उसको आप 10-10 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ मिला के दीजिए और खाली IV 11, उनको गिलोई नहीं देना है, IV 11 का 5-5 बूंद आप दिन में 2 बार दीजिए और चाइल्ड ग्रो पाउडर 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ दीजिए। और कभी भी फ्रिज का पानी या कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह इस टाइप का कुछ भी मत दीजिए, तो आप पूरा सेफ रहोगे, हर फैमिली नेगोशिया फैमिली 100% स्वस्थ रहेगा, किसी को इस टाइप का कभी कोई बीमारी छू नहीं पाएगा, हम लोग टोटल कोरोना की जो है महामारी से हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही था, सर ने मेरे को बोला कि ये कोरोना से आप बचा लीजिए हमारी टीम को ताकि कोरोना का इन्फेक्शन हमारी टीम में किसी को ना आए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।